हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर देवाशीष मिश्रा। सो अभी अभी मैंने कमेंट चेक कर रहा था, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखा कि थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट लोग थोड़ा सा ओरी हैं, क्योंकि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हुआ है। बीटेक थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हुआ है, इसलिए वो पूछ रहे हैं कब होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कब हो सकता है एग्ज़ाम। क्योंकि कुछ स्टूडेंट लोगों का बैक भी है, जो फिफ्थ सेमेस्टर में अभी है उन लोगों का बैक भी है। सो उन लोगों के लिए आज मैं बोल देता हूँ। देखो, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर एक साथ होगा, जैसे कि सेवेंथ एंड फिफ्थ एक साथ होगा, देन थर्ड एंड फर्स्ट एक साथ होगा। अगर नहीं होना होता तो फिर एक साथ रजिस्ट्रेशन डेट आ जाता। सो माय एक्सपेक्टेशन इज सेवेंथ फिफ्थ एक साथ होगा, थर्ड फर्स्ट एक साथ होगा। सो थर्ड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर बोथ के लिए मैं बोल देता हूँ, तुम्हारा जो ऑनलाइन एंट्री एक साथ ही आएगा, 28 अक्टूबर 2024 to 9 नवंबर 2024, उसके बीच में तुम लोग का आ जाएगा डेफिनेटली विदाउट फाइन, एंड विद फाइन 11 नवंबर to 16 नवंबर तक आएगा। ओके, सो रेडी रहो, 28 अक्टूबर to 9 नवंबर के बीच में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। देन तुम लोग जो पूछ रहे थे कब तक शेड्यूल आ जाएगा तुम लोगों का, थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट लोग, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ आज थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट लोगों के लिए, 2 दिसंबर तक तुम्हारा आ जाएगा। न्यू एकेडमिक ईयर में 2 दिसंबर मेंशन है, लेकिन एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 2 दिसंबर तक या थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे आ सकता है तुम्हारा। ओके, देन तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी 2025 to 25 1 2025, उसके बीच में होगा। 7 जनवरी 2025 to 25 जनवरी 2025, इट इज़ फॉर द थर्ड सेमेस्टर। एक्चुअली न्यू एकेडमिक कैलेंडर इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। आज थर्ड सेमेस्टर बीटेक स्टूडेंट लोगों का कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं आया था, इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किए थे, सर थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए कब हो सकता है थर्ड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन, कब आएगा शेड्यूल, कब आएगा एग्ज़ाम। सो मैंने डिटेल बता दिया हूँ, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, डाउट है तो कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोग को हर दिन मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू।